स्वागत है आपका हमारे समाज भर बिहार यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी सभी खबरें बिहार की। आज दिनांक 3/8/2022 आज के न्यूज़पेपर में शिक्षा विभाग से आई सभी खबरों का निचोड़ को हम लोग देखते हैं। अगले माह से प्रारंभ होगी सातवें चरण की नियुक्ति, विजय चौधरी, इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आठ साल से 12,000 उर्दू बांग्ला टीटी अभ्यर्थी रिजल्ट का कर रहे हैं इंतजार। 27,000 की होनी थी बहाली, 14,000 को ही किया बहाल। इसके बारे में भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री बोले, इस महीने छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, खाली पद जानने के बाद अगले माह से शुरू होगी सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया। महादलितों को अनुकंपा पर नियुक्ति में शैक्षणिक छूट जारी। नौवीं से बारहवीं के गरीब छात्रों के लिए नई योजना, 1.25 लाख तक की स्कॉलरशिप योजना के तहत बिहार के 1800 छात्रों को लाभ। गैर सरकारी अल्पसंख्यक स्कूलों की बेहतरी के लिए समिति का हुआ गठन। मृत महादलित कर्मियों के आश्रितों का मामला, अनुकंपा पर नौकरी में आरे नहीं आएगी शैक्षणिक योग्यता। फर्जी शिक्षकों को बचाने वाले नियोजन इकाइयों पर होगी कार्रवाई, दी चेतावनी। लापरवाह शिक्षकों का होगा तबादला। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 6 शिक्षकों के नाम भेजे गए। शिक्षक की नियुक्ति में एससी एसटी कोटि के अभ्यर्थी नहीं मिले। विज्ञान गणित अंग्रेजी विषय के एसटीईटी अभ्यर्थियों की है कमी। स्कूलों में 2 शिक्षक बनेंगे स्वास्थ्य कल्याण राजदूत। सीबीएसई की ओर से आज मिलेगा प्रशिक्षण। राज्यपाल ने वोकेशनल कोर्स के लिए कमेटी पुनर्गठित की। राजस्व कर्मियों की जिलों में हुई तैनाती। महादलित सरकारी सेवक की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति में छूट बरकरार। शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी। विश्वविद्यालय में सुधार की कवायद, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बाद मिथिला विश्वविद्यालय की बारी। नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका जल्द खोलने की उठी मांग। विश्वविद्यालयों में लागू होगा प्रोन्नति का नया कानून। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 6 शिक्षकों के नाम केंद्र को। बायोमेट्रिक से बनेगी विश्वविद्यालय व कॉलेजों में हाजिरी, पटना।
अधिसूचना जारी नहीं हुई तो और तेज होगा आंदोलन। शिक्षक बहाली। जातीय गणना से सारी जानकारियां मिलेगी, विजय चौधरी। अधिक शैक्षणिक योग्यता वाली अभ्यर्थी अब बनेंगे आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका। अगले माह से सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया। 5 जिलों में शिक्षक बनने का सबसे अधिक मौका। प्राथमिक स्कूलों के लिए सातवें चरण की रिक्तियों की गणना में ये सामने आया है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, रोहतास, मधुबनी में सबसे ज़्यादा रिक्तियां हैं। सबसे अधिक समस्तीपुर में है। सूबे के स्कूलों की 5 लाख छात्राएं सीखेगी कराटे। सासाराम, रोहतास जिला सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला रोहतास सासाराम। दिनांक 1/8/2022 का लेटर है। विषय प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षकों के संबंध में। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल में। बिहार में शिक्षा से जुड़ी हर दिन की सभी खबरों का निचोड़ अपलोड किया जाता है। थैंक यू।